इस वक्त हम मौजूद हैं इटावा के सहसो गांव में। चंबल घाट के पास बसा हुआ एक ऐसा गांव है जहां पर पिछले 70 सालों से लगातार एक दंगल का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे ये जो देख सकते हैं आप, एक बहुत बड़ा मंच लगाया हुआ है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, वो यहाँ पर बैठेंगे और इधर एक रिम बनाया गया है, चारों तरफ से रस्सियों से बैरिकेडिंग की गई है। इसके अंदर जो खिलाड़ी हैं, जो कुश्ती यहाँ पर लड़ेंगे, जीतने वालों को उस मंच के ऊपर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो यहाँ की तैयारियाँ हैं किस जोरों शोरों पर चल रही है, क्योंकि कल यहाँ पर दंगल जो है शुरू हो जाएगा और दो दिन के लिए होगा। हर वर्ष ये शुभरात्रि के दिन ये दंगल किया जाता है। मैं आगे आपको जो कुछ तैयारियां हमें एक बार पहले इधर भी दिखाना चाहूँगा। इधर आप देख सकते हैं जो विशेष प्रबंध यहाँ पर लाइटिंग का किया जा रहा है, क्योंकि जो लाइट होती है यहाँ अक्सर जो रात के समय यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि हर एरिया है और जो लाइट है यहाँ पर बहुत कम है देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर रात के टाइम जो पहलवान यहाँ रुकेंगे उनके लिए विशेष रोशनी का इंतजाम यहाँ किया गया है। लड़ियाँ चारों तरफ लगा दी गई हैं और सिक्योरिटी का जो विशेष प्रबंध था वो यहाँ पर किया गया है। क्या कुछ यहाँ पर रहेगा दंगल में, हम विशेष बात करते हैं जो प्रबंधक है इनसे बात करते हैं। रमजीत जी, ये बताइए जिस तरह यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह की तैयारी हैं और कल से क्या दिन का लिए यहाँ पर जो दंगल है वो क्या लगा? दो दिन का दंगल है और यहाँ बैरिकेडिंग भी हो रही है, जो है पहलवानों के लिए कुश्ती लड़ने के लिए ये अखाड़ा बनाया गया है, मुख्य अतिथियों के लिए ये मंच बनाया गया है। कितने लोग आने की आशंका है यहाँ पर? आशंका यहाँ तो 20,000 लोग आते हैं। क्या कुछ रहता है यहाँ पर, मेला लगता है, महिलाएं कब आती हैं, पुरुष कब आते हैं और दो दिन दंगल में पुरुषों का रहता है, दो दिन रहती हैं महिलाओं का मेला। कल के दिन क्या होगा, कितने? कल के दिन कम से कम 20,000 आदमी की भीड़ होगी और 100-200 कुश्तियाँ भी होंगी, परसों भी होंगी। इस विशेष दंगल की बात की जाए, बहुत प्रमुख दंगल है उत्तर प्रदेश का ये, तो यहाँ पर जो बात की जाए, साल में एक बार होता है हर 6 महीने में? नहीं, साल में एक बार सिर्फ महाशिवरात्रि पे ही होता है। अच्छा, जब दंगल होता है तो जितने यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं उनको क्या कुछ इनाम दिया जाता है, जीतने वालों को या हारने वाले को भी दिया जाता है? नहीं, जीतने वालों को इनाम दिया जाता है, जो बराबर होता है उसमें समित का एक हिस्सा समित का होता है और दो हिस्से होते हैं पहलवानों। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ, एक जंगल के अंदर भीड़ जंगल है चारों तरफ, एक बसावट भी, एक गांव भी, बात करें तो दूर है सहसो थोड़ा यहाँ से, तो सिक्योरिटी का क्या विशेष प्रबंध किया गया है यहाँ पर? यहाँ 5 थाने की पुलिस लगाई जाती है, PAC की भी व्यवस्था है, मतलब सुरक्षा के तौर पर कोई वैसी कोई बात नहीं है, बढ़िया सुरक्षा होती है। आते हैं पहलवान दूर दूर से, कोई बात होती है तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पुलिस का विशेष प्रबंध है? विशेष प्रबंध है। यहाँ पर कुछ और हैं उनसे भी बात करते हैं जो गाँव के ही लोग हैं, आप भी यहीं रहते हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं, यहाँ के जो अपने मेला प्रबंधक जी अवनीश तिवारी जी से बात हुई आपकी, और तो उनकी तरफ से बहुत अच्छा यहाँ काम किया जा रहा है। तैयारियाँ करते हैं, कितनी खुशी रहती है इसकी? यहाँ आज साल में एक बार आयोजन होता है तो इसमें बहुत खुशियाँ होती हैं, हर इंसान का, हर ग्रामीण का इसमें मन लगता है, दिलचस्प, हर बच्चा यहाँ मेहनत करता है गांव। बिल्कुल, आपको बता दें इस जो दंगल है, इस दंगल का जो सहसो गांव है, लोग उनको ही नहीं बल्कि पूरे इटावा के जो लोग होते हैं, जो पहलवान होते हैं, साल भर में एक बार उनको इंतजार रहता है कि यहाँ एक विशेष दंगल होगा। एक बार दिखाना चाहूँगा जो यहाँ की आने वाले लोग हैं, जो वाहन से आएंगे उनकी क्या कुछ यहाँ रोकने की, वाहन रोकने की जो जगह है, किस तरह का प्रबंध है वो भी। ये इधर आप देख सकते हैं जो मंच के पीछे का इलाका है, एरिया जो स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पर जो VVIP हैं उनके जो वाहन हैं यहाँ पर मंच के पास ही रुकेंगे और रुकने के बाद वो मंच पे जाएंगे। ये मुख्य द्वार यहाँ पर जो दंगल के जो कमेटी है उन्होंने यहाँ बनाया है, यहाँ से सभी लोगों की चकर नगर होते हुए, टावर से चकर नगर होते हुए सहसो गांव पहुँचेंगे, सहसो गांव से इस सड़क के द्वारा यहाँ तक लोग पहुँचेंगे, जो मुख्य अतिथि हैं वो पहुँचेंगे, जो दंगल देखने वाले लोग हैं वो पहुँचेंगे, जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो दंगल है उसका लुत्फ उठाएंगे। तो यहाँ पर जो जो मुख्य अतिथि आएंगे, यहाँ एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है जिस होर्डिंग पे बाबा सिद्धनाथ जी के मंदिर का एक फोटो लगा हुआ है। ये जो दंगल का नाम रखा गया है श्री बाबा श्री, यहाँ पे जो दंगल का नाम रखा गया है श्री बाबा सिद्धनाथ मेला 20 साल चंबल केसी दंगल के नाम से यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में कल आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इधर आप देख सकते हैं एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, जो इस मेले के और दंगल के आयोजक हैं वो आलोक दुबे हैं, और जो यहाँ पर विशेष रूप से पिछले हर कई वर्षों से लगातार सेवा में है, श्री बाबा सिद्धनाथ मेला विशाल चंबल केसी के नाम से ये दंगल यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले देख सकते हैं श्री रामशंकर कठेरिया जी हैं, यहाँ पर जो सांसद इटावा से हैं, श्री महेश दुबे जी हैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा इटावा से, श्रीमती
सावित्री कठेरिया है जो विधायक है यहाँ पर सरधना से, और श्रीमती रूबी यादव हैं जो प्रवक्ता हैं भाजपा दिल्ली से, और श्री गोल्डन पुरी महाराज जी हैं जो पिछले वर्ष भी यहाँ पर आए थे, और श्री बाबू खलीफा जी जिनका दिल्ली में काफ़ी अच्छा नाम होता है वो भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। श्री बबलू जो पंकज तिवारी जी हैं वो भी यहाँ पर महेंद्र एजेंसी के हैं जो यहाँ पर विशेष रूप से अपना योगदान देते हैं। साथ ही यहाँ पर जो सीपू चौधरी जी हैं युवा भाजपा नेता हैं यहाँ पर हमेशा यहाँ मौके पर पहुँचते हैं और यहाँ की देखदेख भी करते हैं। श्री राम अवतार वाल जी यहाँ पर हैं जो मेला प्रबंधक हैं जो यहाँ पर मेले की देखदेख करते हैं। साथ ही जो श्री ग्रेस जैन दिल्ली के हैं जो मेला मैनेजर हैं ये यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित होते हैं। और आप श्री कुशल गुप्ता हैं भाजपा नेता हैं ये दिल्ली से हैं, और ये पंकज अग्रवाल जी और श्री गौरव गुप्ता श्री प्रवीण गोयल जी और राजू पांडे श्रीमती विमला सिंह जी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। सुबह के टाइम यहाँ जो है तमाम खिलाड़ी जो रात के वक्त आ जाएंगे और सुबह से ही तैयारियाँ करनी शुरू कर देंगे। विशेष दंगल में जो कुश्तियाँ होंगी उसमें जितने तमाम पदाधिकारी हैं नामचीन नेता हैं यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका मान सम्मान बढ़ाते हुए उनको लास्ट दिन वाले दिन जो दो दिन के बाद में फाइनल दंगल कुश्ती होगी उसमें इनको जो है उनका जो इनाम होगा जो उन कुश्ती में विजयी होंगे उनको इनाम दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। दंगल की स्थिति है और दंगल दिखाएंगे और दंगल का लुत्फ यहाँ के जो लोग हैं वो उठाएंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को आप देख सकते हैं चारों तरफ जो पहाड़ी है यहाँ पर करीब 20,000 लोग यहाँ एक साथ पहुँचते हैं और इस दंगल का जो यहाँ पर लुत्फ उठाते हैं। साथ ही आपको बता दूं यहाँ पर जब से दो दिन के लिए दंगल चलेगा तो यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो इस तरफ मेले में बहुत कम आती हैं, दो दिन से यहाँ पर पुरुष ही यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन दो दिन के बाद जैसे ही दंगल समाप्त होगा तो मेला भी बढ़ता नजर आएगा और जो महिलाएँ हैं तमाम यहाँ पर नजर आएंगे लेकिन पुरुष नजर आएंगे। ये विशेषता होती है यहाँ के मेले की और यहाँ के आयोजकों के विशेष प्रबंध की, प्रबंधक जो कमेटी है यहाँ की वो विशेष प्रबंध किया जाता है सिक्योरिटी का। जिस तरह की आपको बता दें पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह का दंगल यहाँ चलता रहा और जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो मेला प्रबंधक हैं जो कमेटी कराते हैं वो विशेष रूप से यहाँ पर हर एक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। अब देखने वाली बात होगी कल से क्या दंगल की स्थिति होगी।